Mouse adapter class. What is the use of mouse adapter class and why should we use a mouse adapter class? ये आज हम समझेंगे. ओके, तो देखिए, the class mouse adapter is an abstract class for receiving mouse event. तो ये class कैसा होता है? It is abstract class होता है और किस purpose के लिए? For receiving mouse event. ओके, all methods of this class are empty. इस class में सभी method कैसे है? हाँ, empty है. ओके, then this class is convenience class for creating listener object. ठीक है, तो ये class किस purpose के लिए होता है? Creating listener object. The mouse adapter class is found in java.aw.event package. तो ये class present कहाँ पे है? java.aw.event package. और एक mouse adapter class कैसा है? Predefined class है. ठीक है, कौन से package में? java.aw.event package में. देखिए, class declaration, public, abstract और mouse adapter. Class name क्या है? माउस एडाप्टर. और एक्सटेंड किसे किया है? ऑब्जेक्ट क्लास को. और इंप्लीमेंट कौन से इंटरफेस को किया है? दैट इज माउस लिसनर, देन माउस व्हील लिसनर एंड माउस मोशन लिसनर. तो इन तीनों इंटरफेस को क्या क्या है? इंप्लीमेंट किया है. तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या माउस लिसनर इंटरफेस का ये डायरेक्ट ने क्या इम्प्लीमेंटेशन क्लास है और दैट इज अ माउस एडाप्टर क्लास. माउस एडाप्टर क्लास ने क्या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास किसका है? माउस लिसनर इंटरफेस का. ये अगर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है माउस लिसनर का, ठीक है, माउस लिसनर इंटरफेस का, तो सभी मेथड ने क्या किसमें? माउस एडाप्टर क्लास में क्या होगी? ओवरराइड हो गई होगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेथड सभी प्रेजेंट है, मेथड्स ऑफ माउस एडाप्टर क्लास. तो फर्स्ट मेथड देखिए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड और मेथड नेम आया माउस क्लिक. ठीक है, तो ये कब एग्जीक्यूट होगी? इनवोक व्हेन द माउस बटन हैज बीन क्लिक और प्रेस एंड रिलीज ऑन अ कंपोनेंट. किसी कंपोनेंट और फ्रेम और विंडो पे जब हम बटन ने क्या क्लिक करते हैं, देन दिस मेथड विल बी एग्जीक्यूट. नेक्स्ट मेथड इज अ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड माउस एंटर्ड. ठीक है, तो इसमें भी माउस इवेंट का ऑब्जेक्ट पास प्रोवाइड किया जाता है. और ये कब होता है? इनवोक व्हेन द माउस एंटर्स अ कंपोनेंट. किसी फ्रेम या विंडो पे ने के जैसे हमारा माउस ने के एंटर करता है तब ये मेथड एग्जीक्यूट होगी. पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड माउस एग्जिटेड. ठीक है, तो इनवोक व्हेन द माउस एग्जिट्स अ कंपोनेंट. नेक्स्ट मेथड इज अ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड मेथड नेम इज अ माउस प्रेस और एक अब एग्जीक्यूट होगी जब ने क्या बटन हम माउस के लेफ्ट और राइट के बटन क्लिक करेंगे तब एग्जीक्यूट होगी. नो सेंस माउस बटन हैज बीन प्रेस ऑन अ कंपोनेंट. एंड लास्ट मेथड इज अ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड माउस रिलीज. ठीक है, तो इनवोक व्हेन माउस बटन हैज बीन रिलीज ऑन अ कंपोनेंट. अगर हम किसी कंपोनेंट दैट इज अ फ्रेम और विंडो पे बटन को प्रेस करेंगे और जब रिलीज करूंगा तब देन माउस रिलीज मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड. तो बेनिफिट ऑफ क्या माउस एडाप्टर क्लास और क्या व्हाई शुड वी यूज माउस एडाप्टर क्लास? तो इसका पर्पज क्या है? देखिए, अगर हमने क्या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करेंगे फॉर माउस लिसनर इंटरफेस तो हमें सभी मेथड ने क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट अगर माउस एडाप्टर क्लास करने के अगर हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं दैट इज यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं क्या इनमें से एक ही जो आपको रिक्वायर्ड मेथड है वही हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो हमारा क्या लेंथ ऑफ द कोड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ यूज ऑफ माउस एडाप्टर क्लास एंड व्हाई शुड वी यूज अ माउस एडाप्टर क्लास. ओके, तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया, देन फाइल न्यू और जावा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड कर देता हूँ माउस एडाप्टर डेमो. ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश बटन. ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नेम हो गया माउस एडाप्टर डेमो. देन एसआरसी पे राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लास और मैं यहाँ पैकेज नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ कॉम डॉट उत्तम सॉफ्ट डॉट माउस एडाप्टर. ठीक है, और क्लास नेम प्रोवाइड कर लेते हैं माउस एडाप्टर एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल देन आई रिक्वायर्ड अ मेन मेथड, क्लिक ऑन फिनिश बटन. तो हमारा ने क्या यूजर डिफाइंड क्लास हो गया एंड दैट क्लास नेम इज माउस एडाप्टर एग्जाम्पल. ओके, तो अभी से इस क्लास को हमने के यूजर डिफाइंड फ्रेम क्रिएट करते हैं तो कैसे करेंगे? गए एक्सटेंड्स क्या करना पड़ेगा? फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा. ओके, इस तरह हमने एक्सटेंड्स कर लिया. तो अभी हम क्या करेंगे? जो फ्रेम की प्रॉपर्टीज है वो कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे. तो क्या क्या प्रॉपर्टी? दिस डॉट सेट विजिबल. ओके, और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड कीजिए ट्रू. देन मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ दिस डॉट सेट टाइटल. ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड कर लेते हैं माउस एडाप्टर एडाप्टर एग्जांपल. मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ दिस डॉट सेट साइज, फ्रेम की साइज सेट कर लेते हैं साइज. ओके, और मैं फ्रेम की साइज प्रोवाइड कर लेता हूँ 500 बाय 500. ओके,
और सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, फ्रेम को बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड रेड बैकग्राउंड। और यहाँ पे मैंने क्या कलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और मैं क्या हेक्साडेसिमल ऑफ कलर का ऐड कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल कोड ओके 01009270। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, फ्रेम की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर ली। देन हमारे फ्रेम को नीचे क्या विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कमेंट कर लेता हूँ, एडिंग और रजिस्टर क्या रजिस्टर विंडो लिसनर टू द फ्रेम ओके। तो कैसे करते हैं हम, दिस डॉट क्या एड विंडो लिसनर मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, विंडो एडाप्टर क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे एनोनोमस इनर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। देन इसमें एनोनोमस इनर क्लास में कौन सी मेथड ओवरराइड करेंगे, विंडो क्लोजिंग मेथड, ठीक है, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर लिए। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, विंडो क्लोज होना चाहिए इसलिए सिस्टम डॉट एग्जिट ओके, और यहाँ पे स्टेटस प्रोवाइड कर दीजिए 0 ओके। तो ये हमारा हो गया। देन अभी हमें क्या करना है, हमारे जो माउस है ना, माउस इवेंट को हैंडल करना है। तो अभी हमने क्या माउस एडाप्टर क्लास के कंसेप्ट से जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लेता हूँ, एडिंग और रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर क्या माउस इवेंट, ठीक है, इवेंट टू द फ्रेम ओके। तो इस तरह से, तो कैसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, दिस डॉट एड माउस लिसनर मेथड कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, माउस लिसनर का इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो हमें नहीं क्या प्रीडिफाइंड क्लास कौन सा प्रोवाइड किया है, माउस एडाप्टर। तो यहाँ पे माउस एडाप्टर का क्या एनोनोमस इनर क्लास क्रिएट करेंगे, चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू माउस एडाप्टर, यहाँ पे देखिए माउस एडाप्टर दैट इज एनोनोमस इनर, इस तरह से हमारा एनोनोमस इनर क्लास हो गया। देन अभी हमें नहीं क्या सभी मेथड इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल कर लेता हूँ, माउस क्लिक, ठीक है। तो माउस क्लिक मुझे सिंगल मेथड चाहिए, तो यहाँ पे माउस क्लिक मेथड ओवर राइड कर लेते हैं। तो हमें नहीं क्या फाइव की फाइव भी मेथड नहीं क्या इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे आप नहीं क्या क्या कर सकते हैं, ओवर राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं मैसेज प्रोवाइड कर लेता हूँ, क्या एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, ठीक है, एट पॉइंट ओके okay, ये हमारा हो गया। मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन प्रोवाइड करूँगा, और मुझे नहीं क्या क्या चाहिए, माउस जहाँ पे क्लिक हुआ होगा वहाँ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। और यहाँ पे माउस इवेंट क्या है, इट इज़ अ क्लास, ठीक है। तो माउस इवेंट में एक मेथड प्रेजेंट है, दैट इज अ गेट एक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे गेट एक्स मेथड कॉल कर लिए ओके। देन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉन्कैटिनेशन डबल कोट कॉमा कर देते हैं, फिर से यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, कॉन्कैटिनेशन कर लेते हैं, और ई डॉट कौन सी मेथड कॉल कर लेते हैं, गेट वाई मेथड कॉल कर लेते हैं, सो दैट हमें वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। देन कॉन्कैटिनेशन डबल कोट स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमारा जो अभी नहीं क्या फ्रेम है, यूजर डिफाइंड फ्रेम दैट इज कस्टमाइज फ्रेम दैट इज माउस एडाप्टर एग्जांपल, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो माउस एडाप्टर एग्जांपल ओके, तो एम ए ई इक्वल टू न्यू माउस एडाप्टर एग्जाम्पल ओके। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया एंड देन सेमी कोलन, ठीक है। तो इस पर्पज से हमारा माउस एडाप्टर क्लास के एनोनोमस इनर क्लास कंसेप्ट से हमारा क्या लेंथ ऑफ द कोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो मेथड हमें रिक्वायर्ड है वही इंप्लीमेंट होगा। दिस इज द यूज ऑफ अ माउस एडाप्टर क्लास इन प्लेस ऑफ माउस लिसनर इंटरफेस। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया है, ठीक है। देखिए अभी इस फ्रेम पे हम एंटर कर रहे हैं, कोई आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं, हमें एक ही मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ गया, माउस क्लिक एट पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या 212 और वाई कोऑर्डिनेट 265, एंटर किया वो आ रहा है क्या, नहीं। बट नहीं कि हमें जो मुझे नहीं क्या क्लिक मेथड ही चाहिए था इंप्लीमेंट करना था, पाँचों को पाँचों मेथड एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट नहीं प्रोवाइड करना था, इसलिए मैंने कौन सा क्लास यूज किया, माउस एडाप्टर क्लास का पैरेंट क्लास क्रिएट किया। ठीक है, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउस क्लिक एट 290121, तो इस तरह से हमें जो रिक्वायर्ड मेथड है वही हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हमने क्या माउस एडाप्टर क्लास को यूज करते। अगर माउस लिसनर इंटरफेस के लिए हमने क्या इंप्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करते हैं हमारा यूजर डिफाइंड, तो क्या उससे ड्रॉबैक्स क्या है, हमें सभी मेथड को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज माउस एडाप्टर क्लास, और माउस एडाप्टर क्लास प्रेजेंट इन डॉट डॉट एडबल डॉट इवेंट पैकेज, और ये प्रीडिफाइंड क्लास है, ठीक है।